हेलो दोस्तों, मैं ये बनाऊंगी साबुनदाना के पापड़। ये देख सकते हैं, ये आधा किलो साबुनदाना है। इसको मैं भिगा देती हूँ, ये रात भर भीगेगा। अब इसमें मैं पानी डाल के भिगा देती हूँ। अब इसको मैं भिगा देती हूँ। अब ये रात भर भीगेगा। एक लोटा हमने पानी इसमें डाल दिया है, ये रात भर फूलेगा। कल मैं बनाऊंगी सुबह दिन में। साबुनदाना रात में भिगाई थी, ये देखो हमारा साबुनदाना भीग गया है। कितना अच्छे से भीग गया है, बढ़िया। देखो ये देखो कितना बढ़िया हमारा साबुनदाना भीग चुका है। अब इसको मैं साबुनदाने को हमने गैस पे देखो रख दिया है, बगल में गैस हमने ऑन कर दिया है। अब साबुनदाने को पका लेती हूँ। दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे आशा करते हैं, आप लोग ठीक होंगे। तो इधर हमारा साबुनदाना जो मैं दिखा रही थी पकाने के लिए, तो हमारा साबुनदाना देखो पक चुका है बढ़िया से। तलाश करके दिखाती हूँ आप सभी को, देखो कितना अच्छा पका है। ये देख सकते हैं हमारा साबुनदाना, देखो कितना बढ़िया पका है। पतला पतला पकाई हूँ बढ़िया। नमक डाल के, हल्का सा नमक हमने डाल दिया था क्योंकि खाने में स्वादिष्ट लगे, इसलिए मैंने डाला था। तो इसको हमने बंद कर दिया है। अब चलती हूँ ऊपर, मैं पापड़ बनाती हूँ। ये चुवाना है, ये अब इसी तरह हम बना लेंगे, तब आप सभी को मैं। हमारे पापड़ बनके देखो रेडी हो गए हैं, सारे पापड़ हमने चुवा दिए हैं। अब देखो अब इनको सुखाते हैं। देखो इधर हमारे पापड़ बनके रेडी हो चुके हैं, साबुनदाना के सूख भी गए। कितने पतले पतले पापड़ बनाए हैं, बहुत अच्छे बने हुए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। तो आज का वीडियो मैं यही तक रखती हूँ। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अगले वीडियो तक फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सभी को हमारी तरफ से हैप्पी होली।